हेलो हाय दोस्तों, देखिए तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ये हमारे यहाँ का शिव मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। हम लोग बाइक से जा रहे हैं घूमने के लिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमारे यहाँ के फेमस टावर हैं। ये तीन टावर थे तो एक टावर निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ की कितनी शानदार कॉलोनी है। पर वर्षा के मौसम के कारण कैसा मौसम हो चुका है यहाँ पर। जी राधिका मेरी जान की मैरिज गार्डन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हरियाली कैसी लगती है दोस्तों। यहाँ का माहौल बहुत शानदार है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ के बहुत शानदार जगह लेके चलते हैं, आपको बताते हैं यहाँ का माहौल कैसा है, कितना शानदार है और यहाँ के लोग वगैरह भी कैसे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको नई नई घटनाएँ के साथ सूचित कराते हुए दोस्तों चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत फेमस आस्था है और कई लोग यहाँ पर इस रास्ते से कई लोग जाते हैं, क्योंकि यह यहाँ से अपन फेमस मंदिर हैदरा सरकार के दरबार पर जा सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कि आगे का माहौल कैसा है और हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। दोस्तों आपको ऐसी आश्चर्यचकित चीज़ बताएंगे जिससे आप वीडियो देखते रहिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्या करने वाले हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। इतनी बरसात के मौसम में हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे दोस्तों। ये यहाँ का फेमस पीपल का पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, जो ये बरिया का पेड़ कहलाता है, सावन में इनके बहुत फेमस हैं दोस्तों। तो हम लोग देखो, जो हमारे यहाँ का फेमस मंदिर हैदरा सरकार के दरबार पर जस्ट पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। तो देखिएगा दोस्तों, आपको मंदिर दिख रहा होगा दोस्तों। तो हम लोग आगे की ओर पहुंचते हैं, देखते हैं कि मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पर नहीं पहुंच पा रहे हैं मंदिर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखो जी मंदिर की रास्ता आ चुकी है दोस्तों सीधे चलो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हैदरा सरकार के दरबार पर जाना पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिससे आप देख कर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं वहाँ पर और क्या होगा वहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ के ये टैक्सी भी जा रही है दोस्तों। अब देखते हैं ये टैक्सी किस लिए जा रही है, क्या काम है वहाँ पर। सिर्फ हमें ही जाना था, पर वहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ है कि नहीं। तो चलो दोस्तों, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर उस जगह, वहाँ का माहौल देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग जस्ट वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग दिखाते हैं यहाँ का शानदार। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल है, क्या है और हम लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर। दोस्तों एक ऐसी बात है जो आपको सिर्फ हम वीडियो में बता सकते हैं और हम वहाँ पर, और आपको इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, हम आपको बताते रहेंगे और आपको एक ऐसी आश्चर्य चीज़ बताएंगे जिससे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या है। तो चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पर क्या। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखियो हम लोग पहुँचने वाले। आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इतने दूर हम लोगों ने रास्ता तय कर लिया है। देखो दोस्तों, बारिश भी हो रही है फिर भी हम लोग जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग जस्ट आपको बताएंगे वहाँ पर क्या हो गया है और क्या वहाँ पर कितने सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं वहाँ का दृश्य कैसा दृश्य है। देखो कितनी सुनसान पड़ चुकी है दोस्तों वहाँ पर। देखते हैं वहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, इतनी भीड़ है वहाँ पर कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाओ। जैसे ही हमें पता लगा, हम लोग वहाँ पर तुरंत पहुँच गए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वहाँ पर देखते हैं किस कारण से वहाँ पर भीड़ लगी है, वो क्यों लगी है। तो दोस्तों आप हमारी इस ब्लॉग को देखते रहिए, आपको बताएंगे क्या हो रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों आपको हम सारी न्यूज बताएंगे वहाँ पर, सारा दृश्य बताएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है,
तो चलिए दोस्तों, देखो आपको दिख ही रहा होगा कि बेड़ियों में जो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, आपको दो सब पूरी रास्ता में पानी बिखरा हुआ है क्योंकि बरसात का मौसम है, बहुत ज़ोरों के साथ बरसात हो रही है। चलिए दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर एक पहाड़िया है, सिलगली की पहाड़िया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, आप देख कर आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो देखते रहना हो, ये देखना है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो हम लोग देखो, आपको दिख ही रहा होगा, देखो पीछे से टैक्सी भी आ रही है, देखो वो भी हमारे पीछे आ रही है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो हम आपको दिखाते हैं उस पहाड़िए पे क्या हो रहा है और क्या बात हो गई कि इतने सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पर क्या है। तो दोस्तों आपको हमारे इस ब्लॉग में बन दो, वो टैक्सी भी देखो जस्ट हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो दोस्तों वहाँ पर उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, देखने आए हुए हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला तो हम तुरंत ही निकल आए वहाँ से देखने के लिए कि वहाँ पर क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको सिर्फ पेड़ियों में बने रहना है, तो देखना है कि वहाँ पर क्या है। दोस्तों आपने इतना इंतज़ार किया तो थोड़ा और आपको इंतज़ार करना है इस पेड़ियों को देखने के बाद। देखो वो टैक्सी भी आ रही है जस्ट हमारे पीछे, देखो टैक्सी गायब हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, जस्ट 5-2 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या है, कैसा माहौल है। तो दोस्तों हम देखो पहाड़ पर जा रहे हैं, इतना सारा पहाड़ है, उसकी थोड़ी ऊंचाई पर जाना है, देखना है वहाँ पर कैसा माहौल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग भागते चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। भागते भागते देखो गाय वगैरह भी यहाँ पर बंधी हुई हैं। तो हम लोग देखो दोस्तों जे जा रहे हैं, देखो कैसे माहौल में जा रहे हैं, भागते भागते देखते हैं वहाँ पर कैसा माहौल है, क्या हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आपको देखो जो गाय वगैरह हैं दोस्तों, तो हम लोग वहाँ से भागते हुए, देखो गाय भी हमसे डर गई है, भाग गई है। देखिएगा दोस्तों भाग गए हम, तो इतनी ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते देखो दोस्तों हम जा रहे हैं भागते हुए, वो कितनी ऊंचाई पर पहुँचे देखो दोस्तों। देखो हमारी गाड़ी आपको दिख रही होगी कहाँ पर रखी हुई है। तो दोस्तों देखते रहिए, बताते हैं हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा हम कितने हाँ आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ का हमने रास्ता तय कर लिया। देखिए दोस्तों यहाँ का कितना शानदार माहौल है, देखिएगा दोस्तों, देखो कितना अच्छा माहौल दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यही दिखाने आए हुए थे। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों हम आपको सिर्फ यही दिखाने आए हुए थे यहाँ का कितना शानदार बरसात के मौसम का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा ये हमारा नगर है, पलेरा नगर। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा कैसा है नगर है, कितना शानदार है, कितनी हरियाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, गाय से मिलते हैं, बछड़े से मिलते हैं, ये क्या रिस्पॉन्स देती है गाय। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? ये तो बैल है, गाय नहीं है। हेलो हाय, कैसे हो? खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो? लो उसके नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि वो मार देगा। देखो गुस्सा है, देखो कितनी गुस्सा से देख रहा है। देखो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? कैसा लग रहा है आपको? हम लोग देखो इस ब्लॉग में वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छा शानदार माहौल दिखाया है। देखिएगा दोस्तों,